बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 97 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सीरत बलोच। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। उम्रा पर जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए जरूरी आगाही। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वबा के बाद पहली मरतबा गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त दे दी, जिसका सिलसिला 1 नवम्बर से शुरू होगा। हुकूमत का जामतुज़्ज़हरा और पॉप से राबता करने का ऐलान। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस और शेख जामतुज़्ज़हरा से राबता करने का ऐलान किया है। ECC ने ईरान से बिजली की खरीदारी के मुआहदे में तौसी की मंजूरी दे दी। ECC ने ईरान से बिजली की खरीदारी के मुआहदे में तौसी की भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत ईरान से 104 मेगावाट बिजली खरीदने के मुआहदे में 1 साल की तौसी हो गई है। पीपल्स पार्टी ने जस्टिस काजी फायस ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेनेटर ने घरों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए 97newstv.com। मिलते हैं मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सीरत बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।